डॉक्टर साहब मंच पर बैठे, AIGS के हमारे गार्जियन अलाउद्दीन आजाद साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष दाऊद अहमद साहब और मंच पर तमाम हमारे गार्जियन AIGS के तमाम प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष, यहाँ पर मुंबई से आए हुए या राजस्थान से आए हुए हमारे गद्दी बिरादरी के भाइयों, नौजवान साथियों, आप सबों का परमोदा के इस राष्ट्रीय महासम्मेलन में AIGS के बिहार प्रदेश होने के हैसियत से अपने बिहार के तमाम गद्दियों की तरफ से आपको आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, बिहार एक बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उसमें भी वहां पे गद्दियों की आबादी बहुत कम, 6 जिलों में है इसकी आबादी, हम लोगों के अखबार से तकरीबन 1.5 लाख होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी जो फिलहाल कास्ट सेंसस करवाया है उसमें घटा करके 57,000 कर दिया है, जिसके अपना नीति बना रहे हैं गवर्नमेंट से, इसके लिए मुताबा करेंगे, मांग करेंगे। मैं आज के इस मीटिंग में जो अभी राजधानी की बैठक हुई और उसमें हमारे गार्जियन और तमाम कार्यकारिणी के लोगों द्वारा हमारे गार्जियन दाऊद अहमद साहब को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, मैं उनकी जितनी और जितनी तारीफ का जो काम है, क्योंकि मेरे पास उतना ये नहीं है ताकि उनकी तारीफ कर सकूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके कयादत में, उनकी अध्यक्षता में करके बिहार प्रदेश जो बिल्कुल ऑल इंडिया गद्दी समाज से दूर था, इसमें उन्होंने बिहार के प्रतिनिधित्व का काम किया, वहां से प्रतिनिधि बनाया हमारे लोगों को, सचिव बनाया हमारे कहने पर, और हमारे ही कहने पर, वहां के लोगों के कहने पर ये पिछले साल बिहार का दौरा भी किए, इनके साथ बहुत सारे कार्यकारिणी के लोग थे, मौजूद थे, लेकिन मैं पुनः इस मंच से आह्वान करूंगा कि इसी तरीके का एक आयोजन, एक राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसकी मांग मैं बहुत दिनों से करता आ रहा हूं, हमारे प्रदेश में भी होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे गार्जियन संरक्षक अलाउद्दीन आजाद साहब भी बैठे हुए हैं, मैं इन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसी तरीके का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बिहार के सरजमीन में भी होनी चाहिए। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ